बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हमारी बात के साथ, मैं असद राजपूत। आज आप हमारे साथ मौजूद हैं साबिक तहसीलदार कमालिया एडवोकेट मार आसिफ अब्बास काठिया साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ये फाइन, ठीक। वालेकुम अस्सलाम सर, ये बताइएगा कि आप कमाली के तहसीलदार भी रह चुके हैं, तो सर जॉब आपने क्यों छोड़ी, ये बताइएगा इसकी क्या? जॉब इसलिए छोड़ी टू डू समथिंग इन द फील्ड ऑफ लॉ जी, एंड टू डू समथिंग फॉर माय पीपल, फॉर आवर पीपल, मेरे लोग जो हमारे बहन भाई, हमारे इलाके के लोग, मामू का यन कमालिया, मेरा ताल्लुक दोनों इलाकों से, कमालिया से भी है, मामू का यन से भी है। मेरे आईडी कार्ड पे दोनों एड्रेसेस हैं, दोनों इलाकों से, मेरा गांव मामू का यन में और मेरी शहरी रिहाइश कमालिया में। तो इसलिए ताकि लोगों के लिए कुछ कर सकें, जो गवर्नमेंट ऑफिसर होता है उसके हाथ बंधे होते हैं, ठीक है, वो खुल के अपने लोगों के लिए कुछ कर नहीं सकता। जो एक लॉयर इंडिपेंडेंट हो छोड़ दी कि आप आजाद हो के जो लोगों की खिदमत करें अपने इलाके के लोगों, ताकि किसी के अंडर प्रेशर ना हो, किसी की परवाह ना हो, किसी के अब नीचे जो एक चलता है आपका सेटअप ही ऐसा है कि अल्लाह के सिवा किसी को खौफ ना हो। सर आप एक लॉयर भी हैं, आपके जो वालिद साहब वो लैंडलॉर्ड थे, आप भी लैंडलॉर्ड थे, ये बताइएगा कि आप ये जो प्रोफेशन के तौर पर आप जो इसको जो है चूज़ किया था, जो है वकालत को, ये बताइएगा। वकालत एज ए प्रोफेशन, लेकिन स्टिल मैं प्रैक्टिस नहीं करता, लेकिन जो एक लीगल जो एक लोगों की राय की आते हैं, मेरा चैम्बर है कमालिया में, वहाँ पे जो लॉयर बैठे हैं, मतलब मेरी ही कॉन्फिडेंस से उनसे एक ही रिक्वेस्ट की है कि जिस बंदे को मैं रेफ़र करूँ उसको जो लीगल एड है वो फ्री फ्राम की जाए, वो कर भी रहे हैं, तो उसके उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, बाकी अपनी वो प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जो उनको वक्तन फ़क्तन मैं केसेस रेफ़र करता हूँ उनकी मेहरबानी, जो हमारे डिसीजन हुई कि उसको वो लीगल एड फ्री फ्राम करते हैं, और वो जो कॉन्टेस्ट करने के लिए, और राय मैं ख़ुद भी दे देता हूँ, क्योंकि एज ए लॉयर मैं रेवन्यू ऑफिसर भी रहा हूँ, लॉयर भी हूँ, और मैंने ख़ुद मतलब मुझे भी आइडिया है कि किसकी क्या लीगल राय बननी होती है, होनी चाहिए। तो लोगों की खातिर, फॉर द पीपल, हमारे लोग, हमारे भाई, हमारे बहन, हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे, तो उनके लिए कमालिया एंड मामू का इन दोनों इलाकों के लिए। सही सर, आप जो है आपकी जो बीवी है मोहतरमा साहिदा आसिफ काठिया साहब, वो कमालिया से जो है वो सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ने का इरादा रखती हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप मामू कांजन से जो इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं, तो क्या समझते हैं कि मामू कांजन के मसाइल तो बहुत ज़्यादा है, वहाँ के सियासतदान इनको सॉल्व कर पाए, तो क्या आप सॉल्व कर पाएंगे वहाँ के लोगों के मसाइल, जो बेसिक नीड इलाके के लोगों की, वहाँ पे डेवलपमेंट जो है ज़ीरो है, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं मुहैया लोगों को, गैस अभी तक वहाँ नहीं पहुँचा, सड़कें टूट फूट का शिकार है, सेहत का निज़ाम दरम भरम है, क्या समझते हैं आप वहाँ के जो एम एन एम पी वो मुंतखब नुमाइंदे उनको जो है अभी तक दुरुस्त नहीं कर सके, तो इलेक्शन जो है अगर आप जीत जाते हैं तो क्या करने का इरादा रखते हैं उन लोगों के लिए, ये बताइएगा। इन्नम अल आमालु बिन्नियात, सही, नियत ठीक हो, वेयर देयर इज विल देयर इज द वे, उसी में अरबी में है इन्नम अल आमालु बिन्नियात, कि अमाल का दारो मदार नीयतों पे, दारो मदार नीयतों पर है। सही, तो मेरी नीयत, मेरी कोशिश, बल्कि हम दोनों मियाँ बीवी की नीयत और कोशिश है कि हम, अगर लोगों ने हमें इलेक्ट किया और हमें मौका मिला, इलेक्ट ना भी हो तो तब भी सर्व कर रहे हैं, खिदमत करते रहेंगे, जारी रहेगा। सही, तो वो यही है कि नियत यही है कि लोगों का भला हो, और अगर इलेक्ट हो गए तो फिर आप बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, जो एक शख्स अनइलेक्टेड हो तो वो उतना नहीं कर सकता जितना एक इलेक्टेड पर्सन कर सकता है। जी, पूरी कोशिश होगी कि कोई ऐसा काम जो लोगों के खिलाफ जाता हो, लोगों के फ़ायदे के लिए ना हो, ना किया जाए। सही, तरक्याती काम मेरिट पे किए जाएँ, तरक्याती काम में पैसा ना खाया जाए, अल्लाह रिस्क नसीब करे, जो मुझे बुज़ुर्गों से मिला है, इतना एक रकबा मुझे बुज़ुर्गों से मिला है कि मैं अगर उसको ही अपने ज़राए में रहते हुए, वरना अगर मेरे ज़राए ना होते निजी ज़ाती, मुझे बाप दादा से मिली हुई विरासत, मेरे तो कोई बाप दादा गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं थे, तो वो तो एक ज़िम्मेदार थे, ठीक है, अल्लाह की देन, अल्लाह की अता के अल्लाह ने मुझे उस घर में पैदा किया, तो अल्लाह का शुक्र, मेरी अपनी स्कूलिंग सादिक पब्लिक स्कूल भावलपुर, मैंने वहाँ से एजुकेशन हासिल की। सही, तो उसमें मेरी कोशिश होगी कि अगर हमें खुदा मौका देता है, हम दोनों का यहद है, सही, कि कोई किसी तरक्याती काम में एक रुपया किसी को नहीं खाने देंगे, ना खुद खाएंगे ना किसी को खाने देंगे, सही, और ना ही कोई गवर्नमेंट के कामों में किसी को करप्शन, तक अगर सही एक रोड है मामू का इन बंगला चौक से बुल्ले शाह तक जाती है, वर्ल्ड बैंक की ग्रांट में उसकी कंस्ट्रक्शन की गई थी, सही, उसको बने हुए मोर देन 25 ईयर्स हो गए हैं, वो नहीं टूटी, क्या वजह है कि आजकल रोड्स जो बनती हैं जिनका ताल्लुक हमारे मेंबरान असम्बली की ग्रांट से होता है,
वो छः महीने बाद ही उसकी बजरी रोड़ी निकलना शुरू हो जाती है, दो सालों में टूट के फारिग हो जाती है, पाँच सालों बाद नजर ही नहीं आती गई कहाँ, वाह इट मीन से कुछ गड़बड़ तामीर के अंदर होती है। इससे बड़ा जुल्म कोई, लोगों की गाड़ियाँ चलती हैं, लोग आते जाते हैं, लोगों की व्हीकल्स उससे डैमेज होती हैं, लोगों के लिए प्रॉब्लम होता है, गवर्नमेंट का पैसा भी ज़ाय होता है। तो अगर वर्ल्ड बैंक की ग्रांट बनने वाली बंगला चौक से बुल्ले शाह तक रोड 25 साल से कायम और दायम है, तो हमारी रोड्स को भी अगर इट मीन्स के सही मेरिट के लेवल पे विदाउट विदाउट मैनिपुलेटिंग विदाउट ग्रैबिंग एनी कैश एनी मनी ऑफ द गवर्नमेंट, तो उसको अगर कर दिया जाए तो मैं 25-25 साल तक रोड टूटे ही ना, सही पांच पांच दौर गुजर जाए रोड खड़ी रहे। सर मौजूदा हालात में आप हमारे चैनल के जो है वो प्लेटफार्म से पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही कि हर एक का तर्ज़ अमल ही ना देखें, तर्ज़ अमल भी ज़रूर देखें, सही कि हर लीडर के हर एक ज़ाती करेक्टर भी होता है, उस पर भी देखें कि ज़ाती ज़िंदगी में निजी ज़िंदगी में उसके लोगों में मिलना जुलना उसका वो क्या है, सही पसे पर्दा वो क्या है, बिहाइंड द कर्टन वो क्या है, ऐश में कैसा है तैश में कैसा है। ऐश में भी इंसान का दिमाग ख़राब हो जाता है, तैश में भी ख़राब हो जाता है। जो ऐश और तैश में ठीक रहता है तो उसको कलेक्ट करें, जिसके जज्बात जिसकी नीयत हर को पता होता है, कुछ कहना मुश्किल होता है, किसी का भी नाम लेना भी नहीं चाहिए, खैर सभी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अच्छों में से अच्छे मुंतखब करें। और जिस दिन लोग विदाउट लालच, तो ये भी लालच होता है कि मुझे जॉब मिल जाएगी, मुझे ये फलां शख्स ये मेंबर, तो उन चीज़ों से निकल के कि ये देखेंगे आपके मुल्क के लिए बेहतर कौन कर रहा है, आपके इलाके के लिए बेहतर कौन कर रहा है, किसकी बनाई हुई सड़क 25 साल ना भी 5 साल तो चले, सही ये क्राइटेरिया रख लें कि एक शख्स कोई मेंबर असम्बली उसकी ग्रांट में बनने वाली रोड अगर 5 ईयर्स तक नेक्स्ट इलेक्शन तक उसमें बजरी भी नहीं निकलती टूटने वाली तो उसको वोट दें, अगर बजरियाँ सारी निकल जाएँ रोड ही फारे हो तो मत इलेक्ट करें, इट मीन्स कि वो करप्शन कर रहे हैं पैसे खा रहे हैं। किस तरह के क्राइटेरिया रख लें अपना। सियासी शख्सियत मार आसिफ अब्बास काठिया साहब एडवोकेट जो बता रहे थे कि आवाम जो है उन नुमाइंदों को जो है वो लेके आए जो आवाम की हुक्मरानी जो है वो बेहतर तरीके से जो नुमाइंदगी करना जानते हों, जो सड़कों के ठेकेदार ना हों, सड़कों के ठेकेदार ना हों। तो नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।